कचरे को अलग करें। कार्यक्रम के संभागायुक्त और निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी शामिल हुए। इस दौरान मेघदूत गार्डन के मॉर्निंग वॉकर और यहां एरोबिक्स करने वाले महिला पुरुषों द्वारा कलेक्टर के सामने मांग रखी गई कि मेघदूत उपवन में 8 बजे के स्थान पर 9 बजे तक निशुल्क प्रवेश दिया जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और आयुक्त प्रतिभा पाल की सहमति से वहीं मंच पर इस बात की घोषणा कर दी कि कल से मेघदूत उपवन में सुबह 9 बजे तक प्रवेश निशुल्क रहेगा। इस घोषणा से मॉर्निंग वॉकर और एरोबिक्स करने वाले महिला पुरुषों में काफी खुशी दिखाई दी। कलेक्टर सिंह ने कहा कि देश का कोई भी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर 75 घरेलू कचरा संग्रहण शुल्क वसूल नहीं पाया है। यह बड़े ही गर्व का विषय है कि इंदौर ने कर दिखाया है। इंदौर के लोगों के सहयोग के बिना यह नामुमकिन था। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा, सम्मानित महोदय द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है। और इसी प्रकार एक यहाँ पर एरोबिक्स का एक ग्रुप है, उसके द्वारा रीयूज़ मटेरियल्स का रीयूज़ करके और किस प्रकार से स्टेशनरी आइटम्स बनाए हैं वो भी कमिश्नर साहब ने देखा और बहुत ही अच्छा काम किया था वो। और उसकी भी जो रीयूज़ मटेरियल की जो प्रदर्शनी टाइप की लगी थी, उसका सम्मानित महोदय द्वारा आज उसका शुभारंभ भी किया गया। साथ ही यहाँ के लोगों की मांग ये थी कि जो ये मेघदूत गार्डन है, ये सुबह 9 बजे तक खुले, सुबह भी 8 बजे तक बंद हो रहा था। इसमें महेश जी हैं जो अपने एरोबिक्स यहाँ पर क्लासेस काफ़ी समय से चला रहे हैं। मेशराम जी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट किए हैं और शुरू से इन लोगों ने बहुत अच्छा माहौल किया है। इन सभी की मांग थी और भी अन्य जो ग्रुप्स थे उनकी मांग थी कि 9 बजे तक खुलना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर साहब शासक भी हैं तो उन्होंने आज इसकी अनुमति दी है कि सुबह 9 बजे तक ये गार्डन खुलेगा और यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय रहवासी हैं अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे इसका। तो ये भी अच्छा निर्णय हुआ है आज ये। और जो उत्साह जनता का देखने को था, बाकी वो सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा मोटिवेटिंग रहता है। जो नगर निगम 70,000 कर्मचारी हैं या अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, तो जनता में इस प्रकार का उत्साह देखते हैं स्वच्छता को लेकर के। इसीलिए इस बार नगर निगम ने रिकॉर्ड भी बनाया है, जो 75% से अधिक यूज़र चार्जेस कलेक्शन हुए हैं। इसके लिए बधाई दूंगा मैं नगर निगम की पूरी टीम को, कमिश्नर नगर निगम को, कि यूज़र चार्जेस में 75% से ऊपर अचीव करना काफ़ी बड़ा एक माइलस्टोन है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश में अन्य मिलियन प्लस नगर निगम इस चीज़ को अब तक अचीव कर पाया है। और ये 7-स्टार आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि 75% ज़्यादा रहवासी या नागरिक यूज़र चार्जेस दें। तो ये सब जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आज पार्षद मैडम भी थी, सुधा चौधरी मैडम वो भी थी। तो जो जनता का एक जुनून है, जो जनप्रतिनिधियों का जो एक उत्साहवर्धन है अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी, जनता के लिए भी, मीडिया जो इसमें प्रमोट करती है सब चीज़ों को, उसका नतीजा है। जो आज इस कार्यक्रम का आपने पूछा मुझे कि क्या संदेश है, ये उसका एक दृश्य था जो आज देखने को मिला। कमिश्नर साहब ने अपने संबोधन में अत्यंत तारीफ की।